sangat. मित्रों, यह उत्तर प्रदेश के लिए और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़ और आसपास के जो उत्तर प्रदेश के NCR का जो क्षेत्र है, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है। जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के कार्य शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ पर होने जा रहा है, पिछले 30-35 वर्षों से ये मांग हो रही थी यहाँ पर एयरपोर्ट आएगा या अन्य कोई इस प्रकार के संभावनाएं बनेंगे, लेकिन वह वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए थी, उसके अभाव में वह कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाया। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और भारत सरकार के, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद यह निर्णय लिया कि हम लोग उत्तर प्रदेश में जेवर क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे। इसमें प्रथम फेज में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर संभावित है और पूरा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा और 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। MRO के साथ ही यहीं पर हम लोग यमुना अथॉरिटी में ये जो एयरपोर्ट है, हमारा जॉइंट वेंचर है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी को मिलाकर के हम लोग इस एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को राज्य सरकार के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार का इसमें हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और इस एयरपोर्ट को का निर्माण 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। हमारे पास पहले से ही लखनऊ में और वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। अयोध्या में हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पहले से कर रहे हैं और नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन से मुक्त होगा और यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। व्यापक संभावनाओं को लेकर के कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है जो यहाँ के विकास के साथ साथ रोजगार और युवाओं के लिए तमाम प्रकार की नई संभावनाओं को लेकर के यह एयरपोर्ट आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी इसी के नज़दीक हम लोग करने जा रहे हैं, उसकी कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है और उस पर भी बहुत बड़े
निवेश की संभावना बन रही है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड अलीगढ़ है, इससे सटे हुए क्षेत्र में ही है। यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ साथ और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम हम लोग निवेश की दिशा से आगे बढ़ा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी स्थापित करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। एक यहाँ पर और भी अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर के राज्य सरकार आगे बढ़ी है। यह हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 25 नवंबर को इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा से और उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का प्राप्त होता रहा है और खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वह ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हो, चाहे वह इस पूरे क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल हब के रूप में इसको स्थापित करने का हो, या फिर एयरपोर्ट के रूप में, यानी एक्सप्रेसवे का तो एक बहुत अच्छा जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया है। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माण के अंतिम चरणों में चल रहा है और अभी तो हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर भी हमारा कार्य चल रहा है। प्रदेश ने इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को और मजबूत किया है, खासतौर पर नेपाल से जुड़े हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सब से जुड़े हुए जितने भी हमारी कनेक्टिविटी है उसको 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ ही एयर कनेक्टिविटी को भी प्रदेश सरकार ने बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। खासतौर पर आप देखते होंगे 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण उड़ान योजना में आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हो चुके हैं। 2017 तक हमारे जो एयरपोर्ट थे केवल 25 स्थानों के साथ जुड़े हुए थे, आज हम लोग 80 से अधिक स्थानों से प्रदेश को जोड़ चुके हैं। 11 एयरपोर्ट पर हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं उन क्षेत्रों में भी बन रहे हैं जहां कोई कल्पना ही नहीं करता था। विंध्य क्षेत्र में सोनभद्र के पास, चित्रकूट में, ललितपुर में, आजमगढ़ में, श्रावस्ती में, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद में एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। यानी उन सभी क्षेत्रों को आच्छादित किया जा रहा है जो पहले, जहां एयर कनेक्टिविटी के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। ये पिछले 4-5 वर्षों के अंदर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ, एक ईमानदार सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तो दमदार परिणाम इसी प्रकार से आते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम की याद आप सबको रहे, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी और कार्य के प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कब सरकार ने इसे पूरा किया है। इस दिशा से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये भी चीज़ें हम आप सबको सामने मुझे रखना था। मुझे प्रसन्नता होगी।
और उस दिन के कार्यक्रम के 25 नवंबर के कार्यक्रम के लिए आप सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सब आए, प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, उनके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और उद्बोधन को सुने और यहाँ के विकास को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के दृष्टि केंद्र और प्रदेश सरकार जिस दृष्टि कार्य कर रही है उन सबको मुझे लगता है हर व्यक्ति उसका यहाँ पर दिग्दर्शन भी करेगा। धन्यवाद जी। Yes.